नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा। हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, लेकिन इन सब में कार्तिक मास की पूर्णिमा का महत्व बहुत ही बड़ा माना जाता है। पूर्णिमा के दिन हमारे शास्त्रों में किसी पवित्र नदी जल कुंड में स्नान की बात बताई गई है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने का, तुलसी पूजन करने का, राधा कृष्ण की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा पे गंगा नदी में स्नान करने से आपको साल भर गंगा नदी में स्नान करने के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप किसी पवित्र नदी या जल में स्नान करने के लिए नहीं जा सकते, तो आप अपने घर पर भी स्नान कर सकते हैं। बाल्टी में जल भर लेना है और इसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करना है। गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। अर्थ है, हमारे जल में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, इन सात नदियों का जल आ जाए। इस तरह से घर पे नहाने से भी आपको सात पवित्र नदियों में नहाने का पुण्य प्राप्त होगा। हमारे शास्त्रों में कुछ बहुत ही सरल और छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, जिनको कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन अपने घर पर करने से आप पर माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की कृपा सदैव के लिए बनी रहेगी। आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा, किसी तरह का आर्थिक कष्ट आपको नहीं होगा। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पूर्णिमा वाले दिन माता लक्ष्मी पीपल के पेड़ पे वास करती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर पीपल के पेड़ पे मीठा जल में थोड़ा सा गंगा जल और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पे चढ़ाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपके घर पे सदा के लिए वास करती हैं और आपका हर तरह का आर्थिक कष्ट दूर हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन अपने घर के दरवाजे पर रंगोली ज़रूर बनाना चाहिए और उसके साथ साथ आम के पत्तों का तोरण अपने घर के दरवाजे पर बांधने से आपके घर पर लक्ष्मी माँ का वास तो सदा के लिए रहेगा, और अगर घर में कोई नकारात्मकता होगी तो वो सदा के लिए ख़त्म हो जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन शाम को लक्ष्मी माता के सामने दीप जलाएं और चंद्रमा निकलने के बाद खीर में मिश्री और गंगा जल मिला के माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से आपका हर तरह का आर्थिक कष्ट दूर हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन लक्ष्मी पूजन करने के बाद आपको 11 कौड़ी को माता लक्ष्मी को चढ़ाकर और उसके बाद उस पर हल्दी लगाकर अपने तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी तिजोरी सदैव भरी रहेगी और आपको कभी किसी तरह का आर्थिक कष्ट नहीं होगा। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन गरीबों को उड़द की दाल और चावल का दान करने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, तुलसी मैया की कृपा आप पर सदैव के लिए बनी रहती है। कार्तिक मास में हर दिन तुलसी पूजा का महत्व बताया गया है, लेकिन पूर्णिमा वाले दिन खास तौर पर तुलसी मैया की पूजा जरूर करें। शाम को तुलसी मैया के सामने दीप जलाएं, परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके घर से सारी नकारात्मकता चली जाती है और माता लक्ष्मी का वास आपके घर पे सदा के लिए रहता है। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन शनि मंदिर में जाके शनि देव पर सरसों का तेल चढ़ाने से आपकी हर तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं और शनि देव की कृपा आप पे सदैव के लिए बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन जब आप स्नान करें, गंगा स्नान करें, तो आपको हाथ में कुशा लेकर गंगा स्नान करना चाहिए और उसके बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपका हर तरह का आर्थिक कष्ट दूर हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भगवान शिव का पूजन करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन शिवलिंग पर दूध और गंगा जल चढ़ाने से आपके पापों का नाश होता है और आप पर भगवान शिव की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा सदैव के लिए बनी रहती है। तो
ये हैं कुछ बहुत ही सरल उपाय जिन्हें कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन करने से आपके घर से दरिद्रता दूर होती है, आपके घर में माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान का वास सदैव के लिए होता है। इन उपायों को जरूर करके देखें, फर्क आपको स्वयं नजर आएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा।